यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में युवक ने प्रेमिका को गोली मारी और खुद भी आत्महत्या कर ली। दरअसल युवक और उसकी प्रेमिका के बीच नाराजगी चल रही थी, वहीं इसी के चलते युवक ने अपनी प्रेमिका को ऑफिस में बुलाया और गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली लगने से घायल लड़की ऑफिस का शीशा तोड़कर बाहर निकली और परिजनों को फोन किया। फिलहाल लड़की को गंभीर हालत में फोर्टिज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहीं लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में रखवाया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लड़की का बयान लेने के बाद अब मामले की जांच की जा रही है। तो उसे 3 साल पहले इनकी फ्रेंडशिप वगैरह थी पहले से, और घर वालों को भी पता था, इन्हें भी पता था। तो उसके बाद बीच में क्या प्रॉब्लम हुई, इन्होंने फिर अपना जैसे कि एक दूसरे से बात करके आपस में अलग हो गए। उसको अलग होने के बाद रोज़ 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 दिन बाद कॉल करता था ये लोकेश, उसे परेशान करता था और उल्टी सीधी बातें कहता था और धमकी भी देता था मारने की कि तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा और जिसकी होगी उसे भी मार डालूंगा और तुझे भी मार डालूंगा। देखिए, हमें फ़ोन से सूचना मिली थी कि 5 ही मैंने फायरिंग हुई है। जो मौके पहुँचे हैं वहाँ पे एक हमें इंजर्ड लड़का मिला, उसको हम हॉस्पिटल के लिए लेके गए थे इलाज के लिए, जिसकी वहाँ पे दौरान इलाज की मौत हो चुकी है। उसके बाद हमें जो लड़की घायल हुई है उसके बयान ले लिया है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। कि जो बयान के अकॉर्डिंग तो पहली नज़र में तो यही बात सामने आई है कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग था और बीच में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन दोनों पहलू में जाँच की जाएगी, था या नहीं था उस बारे में जाँच कर रहे हैं।